थोड़ा मेरे माँ माशाल्लाह वैसे ही बड़ा अच्छा है, बार बार तवज्जो दी खैरात ना मंगा तो दी शामिल हो तो मैं मजलिस दिल लै बेचो किस्मत न लाया थोन संभाल के सुनावा मेरा पहला जुमला और इससे तो साबित हो जाएगा जो कितनी देर मैं मिंबर दी बारगाह दे विच खड़ा रवा सदर नशीं बस में जेरे दीदा यानी मीम और एन दे रार दी अजीम रात जिसनू मुसलमान मेरा जा दे जिन्हें दार टूटे है बिस्मिल्ला जिन्हें तवज्जो नहीं फरमाई फिर से तरह का सदर नशीं बस में जेरे किसा यानी मीम और एन दे रार दी अजीम रात जिसनू मुसलमान मेरा जा दे अली और मोहम्मद दे दरमियान ए गल समझना अली और मोहम्मद दे दरमियान हिजाब बढ़न अली चादर दे हेठ होन अला बंतन पाक दा पहला नूरी इजलास कंधे गल पै गई बिस्मिल्ला अली और मोहम्मद दे दरमियान हिजाब बढ़न अली चादर दे हेठ होन अला पंतन पाक दा पहला नूरी इजलास चलो सारे सियाने बंदे बैठे हो हस्तियां गिणिए जिस वेले मोहम्मद अली हसन हुसैन चेहरे ते रौनक नहीं आई ते मुँह मिठा कर फिर जुमला अखा मोहम्मद अली हसन हुसैन यानी चार हुज्जत ए खुदा हस्तियां दी मौजूदगी दे अंदर जड़ी मुखद्दरात अजमत बीबी हुज्जत ए इलाहिया दी यूनिवर्सिटी दी सदारत करे उसनु जमीन आले फातिमा और अरश आले बतूल आले चंद तेन नहीं समझ आई जो मैं किया क्या जिंदा हाथ मलंग से नहीं उड़ सकिया उस बीबी नु जमीन आले सैयदा और अरश आले हाउ आखण दा वल में नहीं आउंदा तो चार लफ़ सुरीले दे आखण दा वल मैनु वालिया दे वीर बड़ा दसिया चुन सकदा उवें तो मैं चार मोती चाह के तेरे हाथ रखा उस बीबी नु जमीन आले सैयदा और अरश आले बतूल आदन कमाल बोलियो शायद मैं इतों ही जिक्र की कड़ी दे नाल पैवस्त हो जावा बाबा जी थोड़े चेहरे ते नूरी और यकीनन अंदर मुहद्दत आले मुहम्मद होवे ते बंदे दे चेहरे ते नूर ता हुंदा है एक बंदा भी समझ के बोलो पाकिस्तान दे हर मेंबर ते लाहौर तो लैके कराची तक और जेड़ी भी मैं जिक्र पाक वास्ते दुनिया के बाहर हिस्से तो भी जिथे गया इस जुमले ते मेरे हिस्से की खैरात पूरी होंदी रही एक बंदा भी बोले तो मैं राधियाँ बंदिया दिन जी मरियम भी बतूल और सैयदा भी बतूल कोई शक नहीं जो मरियम बतूल है कोई शक नहीं जो सैयदा बतूल है लेकिन समझना सिखाने चक्का ले आओ सारे हिको जे नहीं बड़ा फर्क है लफ्ज़े हाँ और ना जितना फर्क है हुण वेना जो कितने तईद करते हो मरियम फकत आबेदाए बतूल इबादत दी ओ तस्बीह जड़ी पढ़ पढ़ के मरियम आबेदा बनी है पता नहीं कितना हाथ नहीं उठ सकता मेरा सरदार वसदे रहो आलिया दा वीर चाचा तुम वसदा रहो दिल का मारी कुर्बान जा रहा थोड़ी विचाई मंजूर ते कबूल हो जाए बाबा मरियम फकत आप बिदाए बतूल ही बात चलो सियाने बंदे बैठे हो बा खुदा खुशामद वल मिनवा बिल्कुल अजादार जजा कर आलिया दा वीर दे मेंबर ते अज तक नहीं आया अगला जुमला शायद थोड़े बंदे समझन लेकिन जेड़ा समझ गया वो मकामे और ते पहुंच जाएगा मैं की आखना चाहना बतूल भजन कितनी बड़ी आबद है जागना मेरा सरदार थोड़े नाल मुठ्ठी भर भी लोग आवन या लखां दा मजमा होवे हुसैन दी नौकरी बिल्कुल नीयत नाल आउंदी है उंदा पूरे दा पूरा जिहड़ा तकादा है सिर्फ नीयत नाल आउंदा है समझो ते मैं राधी हां बाबा बतूल कितनी बड़ी आबद है घर जाके सोची जो हुसैन दे जाकर तिफले मकतब आख्या की ये बतूल कितनी बड़ी आबद है बतूल शिखाने चक्कर लियाओ इतनी बड़ी आबद है जिसकी तस्बीह ज़ैनुल आबिदीन ते भी वाजिब है हाय 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 बस दे रहो भाई आलिया दा वीर तन वसदा रखे बतूल इतनी बड़ी आबद है मैं बिस्मिल्लाह करा जिस दी तस्वीर मेरा सरदार ज़ैनुल आबिदीन ते भी वाजिब है सोना बोलियो सोनी तईद कीती ने मैं जुमला एक होर वधावा जिस दी तस्वीर ज़ैनुल आबिदीन ते भी वाजिब है मेरे लिखना मेरा सरदार बतूल इतनी बड़ी आबद है चलो मुँह जुमला आ गया मालिक दा फरमान पे पढ़ता नामे बादशाह तो एक बंदे सवाल किया मालिक ये बताएं बतूल किसे कहते हैं निंदर दे झटके इतना गल टपा पे बतूल किसे कहते हैं विवेक ना जो हुन कितने सुनते पे हो तो कितने हुन मुतवज्जे हो गए हो बतूल किसे कहते हैं मासूम उठ बैठे गल बुजुर्ग जाकर दी मजलिस दे विच होवे ते बंदे नारे मार मार थकदे रही आ मैं तेरे हुज्जत ए खुदा मौला दा फरमान पढ़दा ते वे नाम जो जिक्र बतूल जेड़ा मासूमीन कीता तू किवें तायद करदे मालिक ये फरमाए बतूल किसे कहते हैं ना समझो ते कुछ भी नहीं जे समझ जाओ या तुसी अरश ते हो सो या अरश अगले जुमले ते तेरी झोली दे विच लै पोसी
बतूल किसे कहते हैं, जन्नत अल बकिया। तो भाई जन मुंह फरमा के छोटे इमाम फरमाया, सुन जो रहीम के लिए भी रहीम हो उसे बतूल कहते हैं। जो रहीम के लिए भी रहीम हो, मेहरबानी भाई सोना बोलियो, जो रहीम के लिए भी रहीम हो। अच्छा चलो, जड़े बंदे दाजे तिगर हाथ नहीं उठ सके, अरे तईद नहीं कीती, मैं रुक के एक जुमला आका, ए नामे अली चवीवे ते व थके थके नारे नहीं, नामे अली ते मुँह ना लुकाया कर, जो नामे अली शजरे न खेड़ के रख दे। मतलब भी चाचा ये तो थोड़े इश्क मुहद्दत की बात है, नामे अली बिस्मिल्लाह शजरे ने। अच्छा कि जाकर दा जुमला, चलो गल मुँह चाई बर सबीले तज़करा सुना दो, कि जाकर दा जुमला नहीं, कि खतीब दा, किसी वाइज दा, किसी आलम दा, नहीं मैं मिंबर हुसैन ते कलोता कसम की जरूरत नहीं, उन्हें तेरी तसली वास्ते होवे ते शबीर दी कबर दी शबीर ते हथ रखी कलोता, मेरे अकीदे दे मुताबक बाबा साईं इस मिंबर ते हथ रखने निसफ जवारी दा सवाब है। और समझो साढ़े त्रऊ साल की बतूल दा, साढ़े त्रऊ साल की मखदूमा दा दरबारे शाम दा खुतबा मेरा सरदार मौजूद है। खुतबे दे विच हुसैन दी बेटी फरमाया, हो वेले शाम जिस बंदे मेरे दादे अली दी विला ते शक कीता उहदे मत्थे उत्ते लिखी तहरीर जो है पक्का हराम हूं। हज जामी हूं गल औखी है बाबा जी, में बंदे को दो चार बच गए जिन्हों की अरे तीन कला ही बुलंद नहीं हुई जिक्र जिस बंदे मेरे दादे अली दी विला ते शक कीता उहदे मत्थे उत्ते तहरीर लिखी हुई है जो हराम ज़्यादा है। वह गल कीता मखदूमा इो जुमला क्या, एक बंदे का शजरा खुल के सामने आ गया, बंदा उठ खलोता, उस आखिया मैं समझाई बनू हाशम दे मरद दावे कर दे। मैं अरते सुनिया जो शिया कौम है कपड़े चादर दे विच गल लपेट के दे भी है ना, ये इन करके वेख लेंदे ने विच की है। एक जुमले ते वजन करा, उस आखिया मैं समझाई बनू हाशम दे मरद दावे कर दे, तो बजायर साढ़े त्रऊ साल की बच्ची होके एडा वड्डा दावा, एडा वड्डा दावा। बीबी जलाल चाह के फरमाया, हया नाल बोल साढ़े घर उम्र का इतलाक नहीं आता। गल तो मैं कर गया जे समझिए, बिस्मिल्लाह साढ़े बेटे के अंदर थोड़े पहुंचने की क्या बात है, उम्र का इतलाक नहीं होता। सर क्या मैं आ तेरे हूँ सर चावी मेरे हल वेखी, लगा मैं आ तेरे दादे की विला का मुनकर, ऐ मेरी पहचानी है ते दस तहरीर कितने लिखी, जो लिखी हो मुड़े सारे पढ़ना लवाना, इस गल की शिकाने लिया वहदत नूर की तजली नू जला लाया। हाय हाय वहदत नूर दी तजल्ली नू जला लाया। जलाल चाह के हुसैन दी बेटी फरमाया, ओ बे हया ओ यार इबने अयार, ओ मलोन इबने मलोन, इस दरबार दे विचू दफा हो जा, जिवें मेरे चाचे हसन इस दरबार दे अंदर एक मलोन दी जिन्स तब्दील कीती आई है, मैं किदाई तेरी जिन्स तब्दील ना करके रख देवा, जेड़ा मेरे दादे अली दा ना सुन के मत्थे ते वट पाए, इहो ते ओ तहरीर है जड़ी दसदी पई है तू हराम आजाद है। समझी निकल मेरी, जो मैं इो त्यो तहरीर है जड़ी दसदी पई है, बोलिया फिर थोड़ी हिम्मत करे मेरे अल वेखी चलना, मेरे अल वेखी इो त्यो तहरीर है जड़ी। अच्छा चलो गल एक होर कर देव, नामे अली जागना बाबा, जड़ा बंदा अली नू इथू हो के मने ते उन्दिया साहवां दी डोरी दे विच नामे अली दी तस्बी जारी रवे, फकीर दे मनन लियो फकीर दी औलाद भी मेरे जुमला समझा, नामे अली दी तस्बी जारी रवे। भाई रुस्तम जी बड़ा कम होंदा है, अल्लाह उनू वली च करदा है, घर जाके सोची इतू हथा भी चन्ना, जो मैं की आखिया अल्लाह उनू वली। चलो मैं मिसाल देवा, कल दा फकीर है तारीख हिंद पढ़ के वेखो, फुकरा दी तस्करा तो लोलिया किताब दा नाम जिंदा जुमला, कल दा फकीर है बाबा फरीद शक्करगंज वाला, वो दरिया दे कंडे ते खलोता नाल मुरीद भी, मुड़ सारे मनण वाले भी नहीं आते, उस आख्या बड़ा वली बनया है, दरिया टपा तेरी विलायत दा लग पता जा, बेड़ी हाई कोई ना दे लांदा पिया है, समझे है, दरिया टपा तेरी विलायत दा लग पता जावे, इशारा है जे कबूल करो। चौथी बारी मेहना पिया मारदा ही सैयदा दी दलीज दे नौकरां दा नौकर जलाल चा के आंदी आखे चक पा के आंदा, बंदे दा बच्चा बन मैं बेवारस हाँ, और नसीबी जे मंगना नू आंदा ते मैं बेवारस हाँ, कौन है तेरा वारस, मेरा वारस वो है जो मूसा जैसे नबी नू दरिया चो राह बना के दे।
ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੱਦ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਦੱਸਣਾ ਅਮਲ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਆਦਾ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਇਹਨੇ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਪਾਓ ਜੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਧਮਾਲ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੀ ਕੋਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਪੜਦਾ ਆਵੇ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਜੋ ਪੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਪੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੀਰ ਪਿਆਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਇਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਚਲ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਯਾ ਅਲੀ ਉਹ ਦਾਮਨ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦ 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 ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਯਾ ਅਲੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦੇ ਚਾਟ ਮਾਰੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਦੰ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਚਾ ਪਸਣ ਮੁੱਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਾਈ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ अपने नारे दी थोड़ी जी सेटिंग ते करो बल जियो बिस्मिल्लाह और कीता ने मेरी गलत है जो मैं किया दा खलोता हुण ते तेरी समझ फरीद नहीं आया जगिया थोड़ा तरकड़े होवे अली कित्थों आंदा है हलो जो गल हुण जिवें जिवें तू टुरदे आसो मैं उवें उवें टुरदा होसा बा खुदा मिंबर ते खलोता 14 दी कचारी दे विच बा वजू आ इहो तईद काफ़ी है मेरी बात समझणा ने आदे हुसैन बंदे मैं किताब दे विच जुमला पढ़िया के बंदे अशरफ अल मखलूकाती दी चस चो नहीं पे निकलदे जे अशरफ अल मखलूकाती दी चस चो निकल के इन्हां दी दहलीज दा कुत्ता भी बन जावां नहीं थोड़े समझे ते मुड़ों दा मुकद्दर वखरा हो सी चलो इत्थां ही एक गल च करां असाबे काफ एक मिनट वास्ते बात अपने मौजू नाल मौत चल लवां असाबे काफ दा कुत्ता जन्नत दे बूहे ते ते पंज सत बंदे अपना गरोह लैके जहन्नम दे बूहे ते हुण गल समझे ऐसे गल दे विच सारी मेरी फजाइल अली मजले ते उह बंदियां वेख के आउणा क्या कुत्ता किदे उहदा कहिंदी जन्नत च तुसीं समझो ना समझो थोड़े दुश्मन नूं जरूर समझ आ जाएगी जो मैं किया क्योंकि जुमला ना वो 14 अगस्त करीब 1947 कैद आजम पाकिस्तान बना के ना बैरुस्तम ऐलान पे कर दे स्पीच कर रहे इंग्लिश है विचू एक बंदा उस लख दी बनी हुई तो सिर तो उन्हें टुकर बने आया उठ उठ के नारे मारे उस साफ ही आके उनकी कलाई नपी उदा क्या समझ आती पई है उदा क्या नहीं तो क्या नारे क्यों पे मारने बाबे उत्थों गल की है जी तो समझ जानी उदा क्या समझ नहीं पी लगती लेकिन इतना यकीन है मेरा लीडर दुश्मन की जबान है वकालत मेरी पे कर रहा है हाय हाय समझ नहीं पे लगती मुँह मिठा करी चलना मेरा लीडर दुश्मन की जबान दे अंदर भाई जान वकालत मेरी पे कर रहा है ले चाचा हूँ अगले जुमले ते अपने आप तैयार कर सदर ओदा क्या कुत्ता किदे तेरे सामने आबाद जप्पे दे हाथ नहीं जुड़े अकबर दे बाबे दे जाकर दे हाथ जुड़े हुसैन दे हत्थां दा सदका मेरे हत्थां दी कदर करी जुमले दी मैनूं कीमत च देवी ओदा क्या किदे सके जन्नत च तुसी उन्हें क्या अपने घर डूगी करके सुन ली सो गल जानना मैं उसका क्या सवादी की गल सुन उसका क्या अच्छा ये दसो भाई जान जन्नत कौन पे जाता है उन्हें क्या तू क्या जहन्नम उसका क्या सी तो क्या दे कुत्ता मैं नहीं तकलीफ बड़ी हुई है जिस बंदे का हाथ ही नहीं उड़ सके इस गल उ मेरा ख्याल है सादगी सिर्फ सुन सकते हो अगर अजय कुत्ता मैं अजय कुत्ता मैं इतने अल्लाह तू जबान मंग के कुत्ते इन बंद गल की हर बंदे दे पास देख के सहबे किताब लिख देना अगे जग पा के दे कुत्ते हो जहन्नम टुर पे हो कि अली दी विलायत ते शक ते ने कीता समझ इन्हें गल मेरी जो मैं किया जहन्नम पे जानते हो
ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਤੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਮਾਲ ਬੋਲਿਓ ਸੋਹਣੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁਮਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਬਤੂਲ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਏ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਕਰੀਮਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮਜਲਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਮਸਜਿਦ ਏ ਸਹਿਬੁਲ ਉਸਰੇ ਵਾ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮਸਜਿਦ ਏ ਸਹਿਬੁਲ ਉਸਰੇ ਵਾ ਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵੀਏ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਲਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਡੀਗਰੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਗੀ ਜਾਗੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਡੀਗਰ ਲਈ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਲਾਮ ਸੁਣਾ ਸਾ ਤੂੰ ਮਿਰਾਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਬਨਾ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਉਹ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਬਾਈ ਜਰ ਖਿਆਮੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਵੀਏ ਬਾਬੇ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਈਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦੀ ਬਾਬੇ ਕਿਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਬਨਾ ਦਲੀਲੇ ਸਦਾਕਤ ਤੌਹੀਦ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਬਨਾ ਦਲੀਲੇ ਸਦਾਕਤ ਤੌਹੀਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਦਲੀਲ ਏ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਖੁਤਬਾ ਫਿਦਕ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਅਲੀ ਵਜਹੁੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਹਿਜਾਬੁੱਲਾ ਖੁਦ ਬਤੂਲ ਬੀਬੀ ਪਿਆ ਦੀ ਉਹ ਬੇਹਯਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਐਸੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸਾਂ ਮਨਵਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ ਅਸਾਂ ਮਨਵਾਇਆ ਚਲੋ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਾਗੀ ਜਾਗੀ ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੈਲੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਲਕਤਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆੜ ਤੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਬੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਬ ਹੁਆ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਲਮਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣੀ ਅਜੇ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਜਹੁੱਲਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਈਦ ਕਰ ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਜ ਹੋਲਾ ਇਤਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਬਜ ਹੋਲਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਦੇਗਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਔਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾਇਆ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਅਖਤਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਖੁਦ ਬਈ ਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾਇਆ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਅੱਠਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਠਰੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਾ ਅੱਠਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਤੁਮਾਰੇ ਤਸੱਵਰ ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸੇ ਹਮ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਮਾਰੇ ਤਸੱਵਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਕਰ ਦੇਵੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਸਿਰ ਹਲਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੀਏ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
नहीं थोड़े बोले हो मेरे नाल। ओ हुसैन ऐसा करम दा परवरदिगार है अगर समझ जावे और राहिब रोंदा होया हटियाई गल्लो ना करा जड़ी तेरे कन ते पई होई है वखरा जिया को जुमला का जो मेरे आउण दा मकसद मुकम्मल होवे। राहिब रोंदा होया हटियाई हुसैन वेख्या फरमाया क्यों रोंदा है? उस आख्या आया है पुत्र लैण। हुण पता नहीं केड़ा पिन सकदा है, केड़ा कशकोल विच चा सकदा है, केड़ा झोली नूं कासा बना सकदा है, ते केड़ा तुर तुर मदाद दा चेहरा वेंदा है, जिहड़ा चौकां ते खलो के नंबर लावे जागरी दे ओहदे नाल गल ना होण वाली मजलिस दे चे ना आउण वाली उसी ते जिहड़ा तईन कर सके ते बिस्मिल्ला। हुसैन आख्या क्यों पिरोंदा है? कहिंदा पुत्तर लैण आया ई, मैनूं पुत्तर नहीं लब्भे। बड़ी बेनियाजी दे नाल अल्लाह दे बेनियाज हुसैन मुस्कुरा के फरमाया पुत्तर देना केड़ी वड्डी गल है, ओह ते मैं मरियम नूं बगैर शौहर दे ईसा जैसा अता कर दे। समझी जे गल में अल्लाह है सर चाणा सर चा अल्लाह है फरमाया बिल्कुल। उस आख्या मालक कोई दलील भी है? दलील सुनो उसके बाद मैं एक जुमला आके सत्र मातम देखो। उसका मालक कोई दलील भी है? एक बंदा भी समझे तो मैं राजी हूं। मासूम फरमाया हाँ अल्लाह है। उधर के मालक की दलील है? फरमाया क्योंकि मेरी दादी हिजाब उल है। पंसा तो बंदे तो समझ गए हो मैं किया क्या? मेरी दादी हिजाब उल है, अल्लाह ना होंदा बतूल हिजाब उल्ला बोलो नहीं। मुसलमान बिरा हुसैन दा बहुत छोटा जाकरा शबीर दे अजादारा दी जुतियां दी खाका, लेकिन एक जुमला मैं हुसैन दे करम दा सदका पूरे मुल्क पाकिस्तान दा हर मिंबर जिथे जुमला आखिया बा खुदा कमाल हो गया। चार नहीं 4000 बना, लेकिन एक गल याद रखी बंदिया दिन रसूल दियां 4 धियां फलां 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 दे नाल उन्हां दा रिश्ता होया बाद ते पैगंबर इस्लाम इस्लाम का ऐलान किया तो दू तलाक ले। इन जी किताबों के जुमले मौजूद हैं मेरे अल वेखना चाहना जो गल सुन सकते हो। 4 नहीं 4000 बना। मैं रिवायत दे विच एक जुमला पढ़िया और वो थोन सुना के मैं सतर मातम दी आकर लगा। जदों मुहम्मद की जुत्ती का तस्मा त्रुटदा है गल सुननी तो तुसा आप मैं तो कर ही सकना। मेरा सरदार जदों मुहम्मद की रुतम मेरा जुत्ती का ठिकाणा जी तस्मा त्रुटदा है फरमावना सलमान जी महबूबे रहमान ऐ जुत्ती दा तस्मा तो ठीक कर। सलमान बह के नाल दरूद पढ़िया नाल मुहम्मद दी पाक मेराज अली नलैन ठीक करिया मर्दी है थोड़ी नलैन ठीक करिया। वो एक दड़े 5-7 बंदे रसूल दे गवाडुआ खलोते मैं वेना जो कितनी मजलिस सुन सकते हो। 5-7 बंदे छप्परे मुद्दत जरा तैयार करी पर फैलावी ने परवाज करनी आ सज्जे पासे आ खलोते ते प्या दर या रसूल अल्लाह मुड़ साथू में किदाई जुत्ती दी खिदमत शिदमत ले ले करो। जबाने वही नाल बोलन वाले मुहम्मद आ क्या नहीं तुसी पलीत हो मेरी जुत्ती पा। हाय हाय मजलस भाईजान थोड़ी ताई दा शुक्रिया तुसी पलीत हो मेरी जुत्ती पा के उरा मेरे अल वेखी जे मैं दाद वास्ते मेरा हुसैन दे मिंबर दे गिलाफ दे विच हाथ है ते काबे दे गिलाफ तू एदी ज्यादा इज्जत है एदे दे हाथ पा के जुमला पहना जे शिखाने चक लियो मैं दाद कीते थोड़े कदे अंदर जुमला आखा मेनू हुसैन बादशाह दी इज्जत दी कसम है मैं खदूमा मेरे कुल जाकरी खोल अवे जे हक पहुंचाना चाहंदा होवां ते तू सुन सके तो फिर ताईद करी। मुसलमान फिरा हया नु हाथ मार इन चपलां नूं मुहम्मद जुत्ती नूं हाथ नहीं लाण देंदा उन्हां नूं धीआं दे रिश्ते देंदा उंदा हाथ नहीं उठिया उहदा नसीब है कीवें इस तों वड्डी दलील शायद मेरे ज़ाकरी च ना बन सके इस तों वड्डी दलील शायद मैं बना ना सकां सुणा ना सकां। लिखा मरे जिन्ना चबला नो मुहम्मद जुत्ती नो हाथ नहीं लाड़ देना राजी हो मेरा बिरा उन्होंने धीया दे रिश्ते देंदा। चलो 15 मिनट मैं थोड़े दरम्यान होर खलोता जुमला मैं एक होर आग जावा। मन हुसैन नो हुसैन ऐसा करम दा बादशाह है भजन समझना बात मेरी। अच्छा अली शहन शाह मुहार दिती नाका दिती इन जी गल सुनी थोड़ी गल पे करदा नवी ने रिजल्ट बड़ा कमाल है। हसन दे बारे में सुने कि हसन शहन शाह दे
दस्तरखान ते एक एक वक्त तेरे सत सत रंग दे खाने होंदे बंदे हंदन गरीब हन सत सत रंग दे खाने खिताबत दा जुमला अखां दे सुन सकदे हो ते इतनी देर दी अगर मेहनत दी कीमत च दे पता नहीं हुण इत्थे बनदा या जिथे फिजा गलदी आई हाय 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 कुर्बान जावा बा खुदा मैं थोड़े मजमे वास्ते दुआ करके जा रहा या जिथे फिजा गलदी आई ओ थू मंगवेंदा अगला जुमला आखा जब सत सत रंग दे अली कतारां दित्तियां हसन दे दस्तरखान ते सत सत रंग दे खाने एक एक वक्त जड़े साइल लै जाते हैं अगला जुमला आखा बाबा जे समझ सकते हो तो ईद करो मेरी गलती तो फिर मैं अगली सतरा का मुहम्मद शहनशाह अबू समसाम नाल वादा किया उडाचिया दतिया अगू भावे हसन न पाइया वादा मुहम्मद किया इन्ना सारा दुनियादारा पालिया बंदिया दिता पता नहीं की सुनोगे हुसैन करम का ऐसा खुदा है जरा टिब्बा है कर बला बह के उन्होंने प्या दे मंग मैं तेन कुछ दे अल्लाह अकबर मजलसी पूरी होगी बा खुदा हुसैन उन्होंने प्यादा है मुकाबला नहीं है खैरात बाबा मैं ते पिन्नी हुई खैरात जो कि जुमला प्यादा हुसैन ते सारे जाकर उन्होंने जुतियां मेरे सिर दा ता जुमला समझना आ हुसैन नो मान देखो सुन्नी बिरा बैठा हुए तुसी गल हुसैन दे बूबे ते आ ते सही शबीर दा वो कारखाना बंद नहीं होया जिंदे विच वो होर तखलीक करदा है यार मैं की आख्या ते तुसी की सुने हुसैन त्यार भी और मैं जुमला अपनी जाकरी दा मोर याफ्ता सतर थोड़े हुसैन दी दलीज ते आ हुसैन दी दलीज ते वैशी आवे इंसान कर देंदा इंसान आवे गिलमान कर देंदा मिसले गिलमान आवे सलमान कर देंदा जिवें सलमान नु फखरे सलमान कर देंदा मेहरबानी मेहरबानी समझण वाले बंदे वीडियो बेजर नु अबू जर कर देंदा बेदाद नु मिकदाद कर देंदा है जुमला मठा करके अखां ते वेखना जो इतनी देर दी तकरीर दा असर की होया अकबर दा बाबा ते एडा करी मेरे तो दिल करे किसे मजबूर नु मुख्तार बना दे हाय हाय अकबर दा बाबा तेरे उठ हाथ तो सदके जड़े फैलदे पे नो खैरात फैले ने चाचा अकबर दा बाबा ते एडा करी मैं जो तो दिल करे मेरा सरदार किसे मजबूर नो मुख्तार बना देवे मैं किस्मत ना लाया अगला जुमला भी चलो आग देवा बात पता नहीं कदों मुलाकात होवे मेरे अल देखना बाबा मजबूर नो मुख्तार कर दे फिर गिना वैशी नो इंसान जबान नाल हरकत देवे वैशी नो इंसान इंसान नो गिलमान चाचा जी गिलमान नो भाईजान भाईजान सलमान सलमान नो फखरे सलमान बेजर नो अबू जर बेदाद नो मिकदाद मेरे अल देखना जर्रे नो शम्स शम्स नो शम्से तबरेर हुण भी ना पिन्नण दा वल्ला भी वज्जा के मुकद्दर दा मातम करी अकबर दा बाबा ते एडा करी मैं अपने गली दे किसे आम मलंग ते राजी होवे जमाने दा कलंदर कर ले जमाने दा कलंदर कर देंदा है वत मैं आखण ते मजबूरा मेरे अल वेखी मलंगा तेरे वास्ते पड़दा खलोता आखण ते मजबूरा खुशकी हुसैन दी है समंदर हुसैन दा राजक हुसैन दा है लंगर हुसैन दा हर दौर दे यजीद नु ललकारदा होया सेवन तक आ गया है कलंदर हुसैन दा हर दौर दे यजीद नु ललकार दा बिस्मिल्लाह अकबर दा बाबा सदारा दी जिंदगी करे दार वस्त्र हुसैन इतना बड़ा करीम है आप एडा करीम भैणा रुल के मर सदके तो सदके इश्क दी नमाज दे विच कोई कमी नहीं महसूस मैं कुर्बान हो जावां लखां वारी चन्ना थोड़ा जि आवाज खोली कुछ को नहीं देनी इतनी आवाज थोड़ी आवाज सारा ना छिके थोड़ी आवाज फदैल कम चल जाता मैं साहब दी मैं एडा करीम चाचा की आखिया मैं बहना रोल के मर हन दा तलक जाकर ते पढ़न नाल नहीं आंदा बतूल दे रुमाल नाल जड़ी अख थले आ जावे हन जुतू आपे डह पे जड़ी अख थले आ जावे तो मैं नजदीक आ हन जुतू आपे डह पौंदी इंदी हाय निकली है बिस्मिल्ला चाना तेरे मिदार दी एक सतर मातम दी तेन सोनी करके मैं सुना जावा सरदारा दी दुआ निकल जावे तो मैं आलम में सफर हो जावा तेरी हाय निकली है बाबा हुसैन देख वीर आई जिंदा ना अब्बास आई
तेरी हाय निकली है। चलो मैं हुसैन बादशाह की इज्जत खत्म की गल, इज्जत हुसैन का तेने सोना दिया मकतल का वैन सुनावा। यह गल समझी इस गल के समझ मेरा मजमून तेरी समझ जरूर आ जाएगा। हुसैन बादशाह जड़ा लिबास पेंदे वो इतना कीमती आई कि जड़ी भी महफल हुसैन जावन आ भजन मैं रिवायत नहीं विखा सकना बवक्त जरूरत ते बंदे हुसैन दे नाम तू चेहरे तो वाकफ अगर ना होंगे वो मुड़ भी एक दूजे की कलाई नप के आते हैं यार उठ के इस्तकबाल करो यदा लिबास दस दे जग दा सुल्तान अदब ते जड़े रो पे हो तो बिस्मिल्ला चाचा भला भी केड़ी सोनी हाय कीती आ पिनो खैरा तली दे देखो यदा लिबास दस दे जग दा सुल्तान है। जिहड़ा लिबास शबीर पहनते हैं बड़ा मशहूर है जी। मैं लखां वारी आखा मैं आए मुकान की नीयत ते कला यदा लिबास दसद ये जग का सुल्तान है तेरी हाय निकली है। पंज चीज़ा हुसैन दियाँ जग ते बड़िया मशहूर इो जी पंज चीज़ा किसी होर को शक सिखाने वाले कोई ना खुद अली को भी ना हमें अली जग का सुल्तान। हुसैन की इज्जत एक वक्री रही है हुसैन पंजा च मुनफरेते हुसैन चौदह च निखरिया हुआ है। अदम नाल सुने तो मैं सत्तर अखा च रिवायत का सहारा लेना पाया तो हथ बन गया कि जुमला अक सचा पंज चीज़ा घोड़ा हुसैन का तलवार हुसैन दी नलैन हुसैन दी हंज नहीं बस सकी वही गागरी पे चलो मतलब उन समझा सकिया तो तेरी हन जरूर वसी। 27 जून गल बन मैं 27 मई अदा खाना सैयदा कराची इस जुमले ते एडी मुकान मेरे हिस्से दी होई जो मैं 5 मिनट चुप करके मज मेरे बाद खुदा खलोता रहा समझे तो बिस्मिल्ला घोड़ा हुसैन दा तलवार हुसैन दी नलैन हुसैन दी हो ही नहीं सकता। मैं मुल्क जजादारा नु गल सुनाई हो तो ना आए ना कीती हो मुंदरी हुसैन दी वाह खलियां बई करके बैन करन वाले आओ अली दी धी जिक्र तेरी नसल रे जी चाचा लखवारे थोड़िया खलियां बई करके मातम करण तू सदके मैं कुर्बान हूं ठीक है चन्ना मुंदरी हुसैन दी समझियो तेरी तोड़ तक नजर पहुंच गई है ना गल चाचा फिर सुना दे वहां घोड़ा हुसैन दा उस्तम तलवार हुसैन दी नलैन हुसैन दी बोलो मुंदरी हुसैन दी बुढ़े बंदे मेरे अल वेख्या जवान हाय करे कमर बंद हुसैन दा अखां के फिकरा मसैब दा इंदे चु त्रै चीजा और पंज चीजा बादशाह सजाद दिया नानकिया ईरान दिया बादशाहां हुसैन नू तोहफे दित्तियां और फिर यह जुमला समझे थोड़े मिजाज नाल तलक रख दी है सदर त्रै चीज़ा मेरा चाचा सरदार मेरा त्रै चीज़ा शबीर दे बदन नाल मुतसिल रहिंदियां नाल जुड़ियां रहिंदियां हर वक्त नलैन कमर बंद हुण तू जाकरा तू सुन सुन के हन दा जखीरा मुका बैठा होवे अकबर दे प्यो दी गुरबत ते नहीं ना मुक गई इन्हां त्रों चीज़ा दी वजह तू शामे गरीबा मुसलमाना जैनब दे बिरा दी लाश लुट ले वाओ तेरे वैणा तू सदके अली दियां धीआं थोड़े अग तू आपे अमर दे परदेदार भी मातम कर रहे हैं जवान भी जी जवानियां माने जीओ तेरे मातम तू सदके चाचा लखवारी शिकाने चंगा ले चाचा तू दी इतनी देर हुक्म करो हथ न बनो मैं आदर रवा इन नदरों चीजा दी वजह तो लाई मुसलमाना जैनब दे वीर दी लाश लुट ली। चलो शायद मैं वैंड च करा गल एक मैं होर करा इन नदरों चीजा दी वजह तो मुसलमाना जैनब दे वीर दी लाश जो वतन तू हुसैन तुरै सही कडो सनाटा हो मैं मुतमिन हो के तेन मजहब का जुमला समझावा मुकान नल मकसद जो वतन तू हुसैन तुरै मजाल से हुसैन अल लिख दे मुहम्मद हुसैन दिलवी शबीर गरीब नई 120 मां बलोवन जिंदे ते परदे और 120 बतूल अपने अपने गिला फिर बैठी नहीं हाय नहीं निकली तो मैं फिर आखा जेड़े जवान बैठे हो जिन्हों की मस लह पई है या लांदी पई है जेड़े मेरे हम एज मातमी मजलस जमें नजर आ रहे हैं थोड़ी हाय ना निकली तो बड़ा दुख होएगा 18 मां बलोवान जिंदे अकबर की बरात दे कपड़े मैं तेरे शबीर का खर्चा सुनावा जे जुड़ गया शिखाने चक का मोमन लखवारी 18 मां बलोवान
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। 18 ਮਾਂ ਬਲੋਵਾਨ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗੂ ਸੁਣ ਅਗਲੇ 36 ਮਾਂ ਬਲੋਵਾਨ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਯਦ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕੋ ਸੈਯਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਦੁੱਖ ਲੰਗਦੀ 46 ਮਾਂ ਬਲੋਵਾਨ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 46 ਮਾਂ ਬਲੋਵਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਮਾਤਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 46 ਮਾਂ ਬਲੋਵਾਨ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ 5 ਮਾਂਬਲ ਬਚ ਗਏ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਤਨੇ ਮਾਂਬਲ 5 ਬਚ ਗਏ। ਬਸ ਅੱਗਾਂ ਵਧਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਏ ਕਰਬਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਹਰੂਨ ਏ ਕਰਬਲਾ ਜੀ ਹਰੂਨ ਏ ਕਰਬਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂਬਲ ਬਚ ਗਏ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਆ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬੀਰ ਭੀਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਾਂਬਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਖੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ 5 ਮਾਂਬਲ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਾਂਬਲਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਦਾਜ ਸਵਾਰ ਕਰੋ। ਓ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਉਹ ਖਲੀਆਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਜਾਨੇ ਨਾ 5 ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਦਾਰ ਸਵਾਰ ਕਰੋ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਜਾਏ ਭਜਨ ਕਿਲਾ ਭੱਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਈਅਤ ਅਦਾਦਾਰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਭੱਟੀ ਤੂੰ ਤਾਈਦ ਕਰੀ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਸ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਾਤਮੀ ਮਜਲਿਸ ਚੂ ਚੀ ਚੀ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗੁਲਾਮ ਬਸ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਆਈ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟਣ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਆਈ ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟਣ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿਹਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇ ਕਰੋ ਚਾਹ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਮ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਚਾਚਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਤਨ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਮੰਜ਼ਲੇ ਸੋਗ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ। ਮੁੜ ਸਾਈ ਕੱਢੋ ਸਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵੁਜ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰ ਬੰਦ ਲਾਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੈਦਾ ਬਿਨ ਵਾਇਲ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਹਰਾਮਦਾਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਮਕਤਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਮਰ ਬੰਦ ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਅੱਖੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲੋ ਗੋਹਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਰ ਬੰਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਚੰਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬੀਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਕਬਰ ਦੀ ਸਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਬੰਦ ਏ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੰਨ ਸ਼ਿਖਾਣੇ ਚੱਕ ਲਿਓ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਮਾਲ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਵੀ ਸ਼ਬੇ ਅਸ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਚਰਾਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਫਤਾਬ ਖਲਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਚੰਨ ਮਕਤਲੇ ਮੁਕਰਮ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਸਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਮਾਲ ਹਟਿਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਦਾਰ ਦੀ ਅਕਬਰ ਸਜਾਦ ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਵੇ ਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ
मैं इन गल करनी है। नौ बारी जहरा दे चंद जमाल दे पासे वेख के आख्या जमाल मेरे बदन ते गौर कर जेड़ी जेड़ी शह आखे तेरे मातम तू सदके तेरे वैणा तू सदके जो जो आखे मैं हुण लाह देवां जदों कुस जावां ते मुड़ मारन ना आवे आयो मैं कुर्बान हो जावा जिदों मैं मरी जावा बतनावी जिदों मेरिया भैणा दे वाल खुल जावा बत तू फुलान ना आवी अलियास दे कमीना दे मैंने शर्म आई बत साई कड्डो वैण ते तैयार रवे अदा मैंने शर्म आई है मैं गया मैं करबला तू मशरक आले पासे जाके उठ बहाए टिब्बे ते चढ़ के वेखन लग पिया आदे नमाजी मारन लग पे नमाज कुसदी रही ते थक गया ते गिले ही कोई नहीं नमाजी मारदे रहे चाचा तेरे मिदार दीख सतर तेरे रोमन कीते मलंग बाबा आखा नमाजी मारदे रहे नमाज कुसदी रही हाजी मारदे रहे काबा मरींदा रहा जिस नहीं वैण कीता वा तो दे अपना नसीब है ओदा मुकद्दर है हाजी मारदे रहे ओ कुरान दी कसम है हाफ़िज़े कुरान मारदे रहे कुरान कुसदा रहा। चलो तेरे गिरिए दा मिलाद इतना तेरे गिरिए दा कद इतना बुलंद हो गया है तो तेरे सीने ते हुण मसैब जी एक सत्र लिखा करबला दे बंदे बग जो गए बंदे तुर जो गए मन मिटियां थल्ले सह गए ओ जाकर बाबा अहमद बग भट्टी मरहूम सुल्तान अल जाकरीन ए सत्र रुस्तम दी पे पढ़दा उन्ना फरमाया करबला दी जंग अरब दी एडी त्रिखी जंग होई एडी तेज जंग होई दे चढ़िया ते शुरू होई दे लथा मुक गई हुण मेरे अल वेख्या जेडे हल्के दे मातमी हो किसे दी अजान तो शुरू होई किसे दी अजान तो शुरू होई किसे दे सजदे ते मुक गई दो जुमले में आखे जिवें तेरा मिजाज है जिवें तेरी तबीयत है तू सुनी है अगली सतर ते मेरा अकीदा ही ने मनदा बा गोरा होवे मातमी ते मातम न करे रो ते सुननी भी पौंदे दे चढ़िया ते शुरू होई मेरे नाल गल धुराओ मुकानी बनो मुकान दे भी एक दूजे दे चढ़िया ते शुरू होई दे लथा बोलो किसे दी अजान तू शुरू होई सजदे ते मुक गई हुण माफ कर दे मेरे दिल दुखी अकबर दी बरछी तो शुरू होई ज़ैनब दी चादर ते मुक गई केड़ा अमीर ओ बंदा जिनो समझ आई है तो मातम नहीं कीता जी जी ओ खलिया बे जी लखवारी मैं कुर्बान हो जावा थोड़े मातम तो सदके आ दे नहीं हो वाक अकबर दी बरछी तो शुरू होई जवानियां माणे ज़ैनब दी चादर ते मुक गई ते बच्चे भी रो पे ने थोड़ी तरबियत दा सरे अकबर दी बरछी तो शुरू होई ज़ैनब दी चादर ते मुक गई मिंबर ते मेरा हाथ ते मैंने बनावट दा वल आलिया दे वीर दे मिंबर ते नहीं आया 14 फरवरी करबला गामे शाह मैं जुमला पढ़िया मेरे बाद अलामा करामत हैदरी कराची वाले मिंबर ते पिछू खलो गए मेरे दामन ने हाथ पाकर दे गुलाम बस की आखे मैं कह दी अकबर हथ न बनो हुक्म करो जी जड़े पीछे बह के रोंदे पे हो गादी दी चुप तो शुरू हुई सकीना दे दुरां ते मुक गई। चलो मिजाज ही तेरा एडा जुड़ गया और थोड़ी नीयत है जो इतनी ज्यादा मंजूरी है पाक आयो इन मैं जुमला दा साडी धरती दे चना दी मण दे अजीम शायर जनाब अख्तर चनियोटी साहब उन्ना दा जुमला पूरी कायनात ते भारी उन्ना फरमाया जुल्म बड़ा होया है लेकिन हद मुक गई समझो ते मैं बैन करके तेन सलाम कराऊं अगर शब्बीर का सर काटा शब्बीर का सर काटा बड़े जोरों जफा से शब्बीर का सर काटा बड़े जोरों जफा से अदा नहीं जुल्म की हद मुक गई खंजर को पूंजने लगा ज़ैनब की रिदा से जी
ਵਾਰੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਮਸੇ ਪੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾ ਸਰ ਕਾਟਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜਫਾ ਸੇ ਔਰ ਖੰਜਰ ਕੋ ਪੂਛਨੇ ਲਗਾ ਥੱਕ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਕੀ ਰਿਦਾ ਸੇ मेरे लवेकी सनाटो वे मजलिस से जगला जुमला समझा समझा के मजलिस पढ़ा कुस गया चंद हरा दा जमाल आदा मैं टिब्बे तू उठिया मैं देखिया सवाली बन के ए हुसैन दादा करा गल कपड़ा पाई खलोता तेरे पूरे मजमे दे अगू हाथ पिया बंदा भैन ते भिरा दा जवारा हुसैन दादा करा एक बंदा भी समझे मेरी सारी मजलिस भुल जावे चाचा जी ए मेरा हिको जुमला जड़ा हुण पियाना न्यादे हुसैन मेरे जवान भाई ए न बंदे आदन जाकर अदब नहीं कर दे जाकर सख्त पढ़ दे मुश्किल रिवायत दी तां लोड पौंदी जे बंदे अदब न समझण जे तू अदब समझदा होवे तो जुमला का जमाल आदा मैं टिब्बे तू उठ के टुरिया मेरी दीद पई है खून दी बारिश दे अंदर नहर तक बतूल दा कुरान बिखरिया होया आई आदे बिखरे हुए कुरान दी बेअदबी करदा मसैब दी हादी मसैब दी हादी कुरान दी बेअदबी करदा उत्थे आया जिथे त्रुटियों या तलवारा त्रुटे हुए नेजे त्रुटे हुए तीर पत्थरां दा ढेर आदे मैं बह के हटाना शुरू कीता याद आहरा आदा मैं हटान लग पिया कमीना हूँ मैनू इस तू तबादले मकतले लफज नहीं लभ सके आदा जिमें कुठा होया आई उमें सुता होया आई आदा मैं नाल बह गया आदा मैं ए हुसैन की लाश सिद्धी की थी आदा भावें मैं दुश्मन आई चंद की चाननी आई भावें मैं दुश्मन आई चंद की चाननी है एक बारी मेरी भी ढा निकल गई कमीना दे घोड़े बजदे रहे हुसैन दे सीने दियां हड्डियां त्रुट के कण नाल लग गईयां अच्छा नहीं समझ आई तुम जो मैं किया कि इस तो वड्डा ते मसैब ही कोई नहीं जिहड़ा मैं पढ़ दिता ते छुपावा ते हुण बारहवें दा मुजरम बणदा इहो हक बणदा जिहड़ा मत नहीं उहदा हक बणिया ही मातम वास्ते आदे घोड़े बजदे रहे हुसैन दे सीने दियां हड्डियां त्रुट के कण दे नाल लग गईयां लख वारी ए कमीना दे जी तेरे मातम तो सदके आदे घोड़े भजदे रहे हुसैन दे सीने दियां हड्डियां त्रुट के कण नाल लग गईयां जी चाचा लख वारी इहो सुणावां आदे घोड़े भजदे रहे हुसैन दे सीने दियां हड्डियां त्रुट के कण दे नाल तुसा हाय की दिए अदे गरीब दी लाश सिद्धी करके मैं नाल बैठा ऐ सच्चा हाथ हुसैन दा रेत पिया आई अदे मैं गरीब दा हाथ चाया रात ते रेत लगी हुई आई सुना देवा रिवाया जी चाचा तेरे मातम तो सदके थोड़ी मजलस का माहौल ही तब्दील हो जाएगा हौसले नाल चाचा उन्हें कहन मिल करण दी वे है आदे घोड़े भजदे रहे आएन गरीब दे सीने दियां हड्डियां त्रोड़ के कंड दे नाल भैणा नु नसीब होवे भैणा नु नसीब होवे ए कमीना दे गरीब दा हाथ रेत पिया आए रात ते रेत लगी हुई आए उरा मेरे अलवे की जी लखवारी आका नौकरा पहला वैन सुनावा ए कमीना दे घोड़े भजदे रहे हुसैन दे सीने दियां हड्डियां त्रुट के कण नाल लग गईयां तो आए की दिए अदे गरीब दा हाथ रेत पिया आए हाथ ते रात ते रेत लगी हुई आए अदे हाथ चाहे हाथ दे विच ओ मुंदरी चमकी है जड़ी मैनू बड़ी पसंद तू ते मातम की दे कमीना दे कोशिश की दिए जो मुदरी लहावा हाथ ते वरा माए सोदर दी वजह तो मैं तो मुदरी नहीं लथी ए हराम लादा दे मैं हुसैन दा हाथ रेत रख आया बन्नी होई तलवार दा टुकड़ा चा के ज़ैनब दे भिरा दे हाथ जरा ओ बंदा अमीर नहीं रुस्तम दे समातम नहीं कीता सदर उते जी 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 ओ खलियां बाई करके जी जी ओ रोना ले दादा रो लखवारी
हाँ चाचा बिस्मिल्ला करा तेरे इश्क दी नीमा दी बड़ी बुलंद हो गई है जो नहीं लथी मैं हुसैन दा हाथ रेत रखे बनी होई तलवार दा टुकड़ा चा के मैं ज़ैनब दे भिरा दे हाथ पहली ज़रब मारी है आदे ज़रब दा लगना है गरीब दा हाथ रेत विर फसे है मेरा वार कामयाब नहीं होया आदे अगली ज़रब मारी है हाथ मदीन फसे है हुण मैं मक्तल दे विचो चाचा रिवायत कढ़ के केड़े पासे ले जावां मक्तल मुकर्रम आला लिख दे जदो वार नहीं लगा ए हराम दा दा मुड़ मक्तल उंगली वखरी करके पहली जराब रोसी कोई हुसैन नो तरसी लैण कोई हुसैन दी गुरबत है जी सिखाने चक लियो जी भाई जी 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 ओ तेरे मुंह दे मातम तू सदके जी लख वारी अखा दे दो पत्थर चाहे न हे कही भेण नु नसीब होवे जी करा लख वारी आ दे दो पत्थर चाहे न हे तल्ले रखिए उते गरीब दा हाथ रखिए उते दूजा पत्थर ए उंगली वखरी करके मैं पहली ज़रब मारी ए आ दे नबी टिप्पे ते जान पैन दूजी ज़रब लगी ए आसमान हलन लग पिए जेड़े धियां ले बैठे हो मेरे अल विखे जदो त्रीजी ज़रब लगी ए आदे सामने एक बच्ची है जंदे मुंह ते तमाचियां दे दागे उस लाश ते झणिए जिंदे बादों नाल कोई ना है हक्कल मार के आ दिए चाचा यबा कोई वास लग दई ते ला पिया उंगल कटे दई खैरात अकबर दे बाबे दी मेरी दाकरी दा कमाल नहीं जी तेरे मुंह दे मातम तो सदके आखो ते छोड़ देवा या आखो ते अगला वैन पढ़ा अच्छा पढ़ देवा अगला जुमला ए हराम दादा दे चौथी जराब मैं जवानी दे जोर दे नाल मारिए मुंदरी भी लह गई उंगली भी लह गई जिस मातम नहीं कीता ओदा नसीब है जिस मातम नहीं कीता चाचा हुण ओदा मुकद्दर है ए हरामजादा दे उंगली चा के मैं परां सटी मुंदरी चा के मैं जेब च रखी आदे मैं वेखे कमर बंद मौजूद आई आदे अल्लाह जाने केड़ी मजबूरी आई शबीर गड्डी ते गड्डी दितियां होया और जिमें मक्तल है जै मैं नहीं पता तुसे रिवाज सुनते हो या हकायक सुनते हो जो मसैब है मैं पढ़ देवां पढ़ा चा रिवायत जेड़ा मसैब दा जुमला है तू सुन के नहीं पे बर्दाश्त करदा पता नहीं बहना वेख्या किवें होगी तू हाय कीती है चलो इशारा करना पन किताबा मिफ्ताउल जन्ना मक्तल मुकर्रम हुसैन के बार बिहार उल अनवार मदीना से मदीना तक पन किताबा दे हवाले दिते ने मैनू ज़ैनब दी लथी होई चादर दी कसम है झूठ बोलना मुजरम होवां कमीना दे मैं वेखिए शबीर दोवें हथ चा के कंबर बंद ते ले आदे मैं ए हाथ छुड़े ना हुसैन दूजा रख लैंदा है मैं ए मातम कर सो मैं ए हाथ छुड़े ना शबीर दूजा रख लैंदा है आदे जेड़े वेले मैं तो हुसैन दा हाथ नहीं छुटिया मैं ओ काम कीता जेड़ा टीकर ले शिबर कीता है कुत्ता दे जल्दी दे नाल तलवार चाके मैं जानू चाके हुसैन दे सीने ते रखी है आदे तलवार नाल मैं ज़ैनब दे भिरा दियां कलाइयां कटड़ियां शुरू कीतियां आदे मैं जरा मारिए गरीब दी लाश उठिए आदे ओ कुतिया ना लहा कल ज़ैनब आवणा है हो मेरी लाश उते मुंह वाला ना हां कर सो मातम जी जी सिखाने चक लियो मजलस है या करबला है ती तेरे मुंह दे मातम तू सदके आदे कमर बंद विच हाथ पाया है ओ जवानी माणे आबाद वधा मैं अगला वैण सुनावा आदे कमर बंद विच हाथ वधाया है हुसैन आदे नाल हा कल ज़ैनब आवणा है ओ मेरी लाश उते मुंह वाला
अच्छा जे जुड़ गए हो तो जिंदगी का नहीं पता कि मोड़ से मुक जाए और मेरे अल वेखो अल्लाह दरजात बुलंद कर आमद बग भट्टी मरहोम दे मातम कर सो ओ बंदे जरा हाथ जाओ जड़े हलके दे मातमी हो हलके दे मातमी हाथ बुलंद करो पूरा मजमा हलके दा मातमी है जे तुसा मातम ना कीता ते वद दुख लगसी भट्टी मरहूम आ देन ए दो हुसैन दा कातल ज़ैनब दे खैमे दे विच आया अली दी धी दे वाल खोल गए जिवें भैणा बिरामा नो मार तो गल्ला दसदियां बीबी तो मैं आद सिर ते रखे मक्कल दो बू वधाया आदि केड़ी गल आदि गादी फिरा करो मातम ते पढ़दा रोक आदि सकीना को